पीलांबरी स्त्री रागिनी है, विरह दग्धा है, प्रीतम की राह देखते देखते जवानी बीत गई है, सोना लेने पियू गए, सोना लेने पियू गए, सोना कर गए देश, सोना मिले न पियू मिले, रूपा हो गए केस। ऐसी अवस्था वाली प्रभुरा रोशनपति का नायिका है। मैं इसमें ताने नहीं मारूंगा, गमके नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अलापचारी थोड़ी सी करूंगा। कृतिकों को जो कहना वो कहे, हमें उसका कोई दुख नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अध्ययन भरत का बाल सफेद हो जाए तब तक का मेरा अध्ययन मुझे यह मानने को और कहने को बाध्य करता है कि कुछ राग ऐसे गाने चाहिए जिसमें सचमुच एक तान भी न ली जाए। भरत ने कहा है, लेकिन हम भूले बैठे हैं। और भरत का अनुयायी होते हुए मैं नहीं चाहता कि नीलांबरी में मैं वो गमकों की तानों से आपको मुग्ध करूं। न बाबा, मुझे क्षमा करें, मुझसे यह नहीं होगा। रोती हुई नायिका के सामने वो ताने लेंगे तो भला क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए मैं थोड़ी सी अलापचारी ही करूंगा। हर एक रागिनी का अपना भाव है, अपना रस है, अपना सेंटिमेंट है, किंतु हम भूले बैठे हैं। परंपरा चली है, हर एक राग में आलाप करो, हर एक राग में ताने मारो, हमें हर एक राग में मुर्खियां लो, हर एक राग में गमकों का बौछार हो जाए। वह परंपरा अब आज नहीं तो मेरी पीढ़ी के बाद, मेरी मृत्यु के बाद लोग समझेंगे कि यह एक मूर्ख हुआ, पैदा हुआ था हिंदुस्तान में, वो कह रहा था। आज नहीं, समय बहुत नजदीक आ रहा है जब इस सत्य को लोग पहचानेंगे, लोग कहेंगे अरे ऐसा मत गाओ, तब गायक भी समझेगा करे हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इसलिए कृपया आप मेरी इस अनुनय को दुष्टता न समझें, मेरी इस मान्यता को कोरी कपोल कल्पना न समझें। मैं इसीलिए नीलांबरी जो प्रौढ़ा बड़ी उम्र की, छोटी उम्र की नहीं, किसी को अपना दुख कह सके, ऐसी नवोढ़ा स्त्री नहीं। किसको कहने से क्या होगा, दुख सह लेना, भोग लेना, रो लेना, यही जिसके जीवन में बदा है, ऐसी कोई प्रौढ़ा स्त्री अपना रोना, अपने अकेले एकांत में बैठकर वो रो रही है या अपने आप को कुछ कह रही है, इस प्रकार की वह नीलांबरी है। मैं उसी को थोड़ा सा आपके सामने आलाप मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर मैं उसमें डूब सका, अपने आप को भूल सका, तो शायद उसमें आपको करुणा का, वेदना का अनुभव हो सकेगा। आप आनंद पाने आए हैं मैं जानता हूं, कि ड्रामा में कभी कभी विरस भी होता है, करुणा भी होती है। आपने दरबारी में
आपने बहुत ओजस, बहुत तेज, बहुत वीरता आपने सुनी देखी। अब जरा सा इस करुणा भाव को भी सुन लीजिए। चखा दे चाशनी ये शरबते दीदार थोड़ी सी, दवे आखिर है कर ले खातिरे बीमार थोड़ी सी, अगर फुर्सत मिली हो गैर की बातों के सुनने से, हमारी भी जरा सुन लीजिए सरकार थोड़ी सी। खुदा की माहिर है कि हम उर्दू भी लाहौर में रहकर सीख चुके हैं मोहम्मद शफी से, इसलिए कुछ उसका भी मुहावरा है। ओ नागे तेरे तुम ना ओ क्या कर रहे भैया, आदत पड़ गई है। तुम ना धागे तेरे के रवा Ah
Mridava,
मेरे द्वारा।